बरेली के प्रेमनगर के बानखाना निवासी रामा देवी ने बताया कि उनका बेटा विमल निकाय चुनाव में वार्ड 24 से भाजपा प्रत्याशी का समर्थक था। दूसरी तरफ से पड़ोसी मोनू भी दूसरी पार्टी का समर्थक था, जो उनके बेटे से रंजिश मानने लगा। बुधवार को विमल पड़ोस में मोनू के भाई से मिलने गया। खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो वो छत पर आवाज देने लगा। इतने में मोनू आ गया और वो अपनी पत्नी से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाने लगा। मोनू, फक्की, छैया और रजत ने विमल को पीट पीट कर बेहद गंभीर रूप से घायल कर दिया। मृतक की मां रामा देवी ने बताया कि आरोपियों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया और फिर पीटा। इसके बाद उन्होंने थाने में भी शिकायत कर दी। वो अपने बेटे को गंभीर हालत में थाने लेकर गईं। यहां पुलिसकर्मियों ने पहले उपचार कराने के लिए कहा। रामा देवी बेटे को लेकर अस्पताल जा ही रही थीं कि रास्ते में विमल की मौत हो गई। आरोपियों द्वारा की गई मारपीट के बाद घायल विमल जब अपने घर खून से लथपथ पहुंचा तो ये देखकर परिजन घबरा गए। पूछने पर विमल ने आरोपियों के नाम और पीटने का कारण भी बताया। मृतक की मां ने चुनावी रंजिश निकालने की बात कही है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक के परिजन करीब 150 स्थानीय लोगों के साथ थाने में पहुंचे। यहां उन्होंने तहरीर लिखकर दी। मुकदमा लिखे जाने तक वो थाने में ही बैठे रहे। तब तक उन्होंने अंत्येष्टि नहीं की थी।